आज अपन प्राप्य भुगतान खाता और आय व्यय खाते की सहायता से बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं। ठीक था, बैलेंस शीट क्वेश्चन में प्राप्य भुगतान खाता दिया हुआ है, आय व्यय खाता दिया हुआ है और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं हमको दी हुई, उसकी सहायता से हम वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट बना रहे हैं और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बना रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट बनाने का उद्देश्य पूंजी कोष ज्ञात करना होता है, जिसमें वर्ष के प्रारंभ की संपत्तियां ली जाती हैं। संपत्तियों के योग में से दायित्वों को घटाकर पूंजी कोष ज्ञात किया जाता है। एक क्वेश्चन में छोड़ ले रहा हूं इसी में। अब देखिए, आपकी किताब में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पेज नंबर आपके 345 पर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप देखिए, इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी। इसकी सहायता से हम सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट ज्ञात कर रहे हैं। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट ज्ञात करने के लिए। आप देखें, 1 अप्रैल 2016 को ये बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, बैलेंस शीट जो बनाई जा रही है। ऊपर हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट चार कॉलम लेंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, वर्ष के पहले दिन की संपत्तियां लेंगे। अब आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और जो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। आप देखिए, कैश 4,500 रुपये टू बैलेंस रेडी कैश इन हैंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कैश इन हैंड ₹4,500 कैश दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड करके ₹4,500 हम लिख लेंगे। इसके बाद आप देखिए, आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही ₹1,000 इंटरेस्ट आपको दे रखा है, 2,500 रुपये का मेंबरशिप फीस दे रखी है। ये चालू वर्ष 2016-17 में मिले हैं हमको। एक तो एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट जो दे रखी है, तो चालू वर्ष में मिली है, इसका वर्ष के प्रारंभ तक ये ब्याज आपके उपार्जित थी ₹1,000। ऐसे ही
एक्रूड मेंबरशिप फीस। दो हजार सोलह सत्रह के दौरान वर्ष के दौरान हमको ये ब्याज मिली है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में ये ब्याज उपार्जित की मिलना बाकी है, इसलिए हमने वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट में इसको दिखाया है। वही स्थिति मेंबरशिप फीस की है। एक्रूड मेंबरशिप फीस आप देख रहे हैं 3000 रुपये, ये भी पैसा हमको मिलना बाकी है वर्ष के प्रारंभ तक, तो इसको भी हमने एसेट्स में दिखाया है। इसके अलावा आप देखिए कुछ संपत्तियां और दे रखी है। इन्वेस्टमेंट 40000 रुपए का दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है। आप देखिए इन्वेस्टमेंट विनियोग 40000, वर्ष के प्रारंभ में ही संपत्ति थी, इन्वेस्टमेंट के नाम से 40000 रुपए दे रखी है आपको, ये वर्ष के प्रारंभ की संपत्ति। इसके अलावा आपको और दे रखा है हमको कि फर्नीचर 10000 रुपए का दे रखा है, फर्नीचर फर्नीचर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 40000 दिए हुए थे, फर्नीचर आप देखिए कि फर्नीचर आपको 10000 रुपए का दे रखा है। रेफरेंस बुक्स ये वर्ष के प्रारंभ की हमको संपत्तियां दे रखी थी, इनका हम टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद आप देखेंगे इसका जो टोटल आपके आएगा उसको हम दिखाएंगे संपत्ति साइड का जो योग है। लाइफ में कुछ भी नहीं है तो पूंजी फोल जो निकलेगा कैपिटल फंड बैलेंस 63000। वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट हमने बनाई और वर्ष के प्रारंभ की जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें पूंजी कोष ज्ञात किया, कैश दिया हुआ है रिसीव पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस, ये चालू वर्ष में हमको प्राप्त हुई है तो वर्ष के प्रारंभ में ये उपार्जित थी, इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट और एक्रूड मेंबरशिप फीस के नाम से हमने दिखाई है। ये तीनों संपत्तियां आपको दी हुई है क्वेश्चन में कि वर्ष के प्रारंभ में विनियोग 40000 के थे, फर्नीचर 10000 रुपए का था और जो बुक्स थी वो 5000। इस तरह आपके 63500 टोटल हुआ और जो पूंजी कोष ज्ञात हुआ वो 63500 रुपए ही ज्ञात हुआ। अब हम इसके बाद में वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्ष के अंत की बैलेंस शीट साल के अंत में बनाएंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। ऊपर हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। वही चाप अमाउंट
assets, चार कॉलम बनेंगे। कितने तारीख को बना रहे हैं हमने बैलेंस शीट? 31 मार्च 2017 को, साल के अंत में हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। सबसे पहले कोई कैश दिखाना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का अंतिम शेष दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश इन हैंड के नाम से। अभी के आपको दिया हुआ है 13,740 रुपए। आपको कैश इन हैंड आपके दे रखा है 13,740 रुपए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 13,740 रुपए असेट्स में लिखा है। अब देखिए कुछ चीजें हम और ले रहे हैं। हम तुलना करेंगे आय व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाते की तुलना करेंगे। पहले हम आय व्यय खाता देखेंगे और उसके बाद हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता देखेंगे कि उसमें इनकम अगर कम प्राप्त हुई तो ये माना जाएगा कि इस प्रकार की आय हमने अर्जित कर ली है लेकिन हमको प्राप्त नहीं हुई। एक्रूड के नाम से वो इनकम हम दिखाएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में आय व्यय खाते में आपको दिया हुआ है इनकम के रूप में ट्यूशन फीस आपको दे रखा है और ट्यूशन फीस 11,000 रुपए थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लेकिन हम देख रहे हैं कि चालू वर्ष में प्राप्ति एवं भुगतान खाता हमको ये बता रहा है कि 11,000 के स्थान पर 10,000 रुपए ही ट्यूशन फीस आपके प्राप्त हुई है। 1,000 रुपए ट्यूशन फीस के हमको कम प्राप्त हुए। ऐसी आय हमने जो कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, प्राप्त होनी है। संपत्ति होगी हमारे को असेट्स में दिखाएंगे। एक्रूड ट्यूशन फीस के नाम से 1,000 रुपए दिखाएंगे। एक्रूड ट्यूशन फीस आय व्यय खाता हमको ये बता रहा है कि 11,000 रुपए ट्यूशन फीस मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली केवल कितनी है बच्चों? 10,000 रुपए। 1,000 रुपए और प्राप्त होने हैं क्या? दिखाएंगे हम असेट्स में 1,000 रुपए। इसके अलावा आप देखिए इसी तरह मेंबरशिप फीस की बात कर रहे हैं। 11,500 रुपए दे रखी है लेकिन मेंबरशिप फीस जो है 2016-17 में भी 11,500 रुपए ही प्राप्त हुई है। न कम प्राप्त हुई न ज्यादा प्राप्त हुई, इसका कहीं पर भी समायोजन नहीं दिखाया है। अगर कम प्राप्त होती तो हम ये मानते कि यह आय कम अर्जित हुई है, कम प्राप्त हुई है हमको एक्रूड में दिखाते। अगर ज्यादा प्राप्त होती तो ना कमाई हुई आय अनर्ड इनकम के नाम से आप दिखाते। आगे देखिए अगली जो हम तुलना कर रहे हैं सैंडरी इनकम 1,300 रुपए और आगे के सैंडरी इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी 1,300 रुपए ही दे रखे हैं। कोई अंतर नहीं है, बैलेंस शीट में कहीं भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सैंडरी इनकम आय व्यय खाते 1,300 में दिए हुए 1,300 रुपए की तुलना में अगर कम प्राप्त होते तो हम एक्रूड में लेते, अगर वो इनकम ज्यादा प्राप्त होती रिसीट पेमेंट अकाउंट में तो
हम उसको लाइट भी कम डिस्ट्रीब्यूटेड एडवांस के नाम से, लेकिन यहाँ पर दोनों ही जगह आपके 1300 रुपये हैं, तो आपके 1300 रुपये का कोई भी कम ज़्यादा होने पर समाज इंटरेस्ट 1600 रुपये दे रखे हैं इंटरेस्ट के, और आपके के इंटरेस्ट जो दे रखा है रिसीट पेमेंट में 1500 रुपये दे रखे हैं। आईबी खाता हमको ये बता रहा है कि 1600 रुपये हमको ब्याज के प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन प्राप्त हुए केवल 1500 रुपये, 100 रुपये ब्याज के कम प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होने हैं। एक्रूड इंटरेस्ट 100, एक्रूड इंटरेस्ट 100। इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंट्रेंस फीस नहीं दे रहे, लेकिन डिसिडेंट पेमेंट में एंट्रेंस फीस दे रखी है 1200 रुपये। इसका लाभ ये आया हमको अग्रिम प्राप्त हुई है, पूंजीगत मानेंगे हम, पूंजी कोष में जोड़ करके दिखाएंगे जब हम बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड आपके लेंगे, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एडवांस के नाम से या कैपिटल फंड में जोड़ करके दिखा सकते हैं। अब आप देखिए इसी तरह हम तुलना करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीटेड पेमेंट अकाउंट की। आप देखिए प्रिंटिंग 800 रुपये दे रखा है, प्रिंटिंग पर जो आयव्यय खाता बता रहा है कि 800 रुपये खर्च हुए, लेकिन प्राप्तीय भुगतान खाता ये बता रहा है हमको कि केवल 750 रुपये ही खर्च किए गए, 750 रुपये खर्च किए गए, मतलब 800 के स्थान पर 750 रुपये कम खर्च हुए, 50 रुपये कम चुकाए गए, 50 रुपये आउटस्टैंडिंग माने जाएंगे, बकाया माने जाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 800 के स्थान पर आपके प्रिंटिंग पर जो खर्चा किया गया है आपके भुगतान खाता जो उनको बता रहा है वो 750 रुपये ही बता रहा है, 50 रुपये आपके कम खर्च हुए हैं बकाया माने जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए एडवर्टाइजमेंट 1500 रुपये बता रहा है कि आईबी खाते के माध्यम से हमको ये पता लग रहा है कि विज्ञापन पर 1500 रुपये आपके समायोजन करने के बाद आए हैं, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपको बता रहा है कि 1410 रुपये ही विज्ञापन पर खर्च किया गया है। एडवर्टाइजमेंट 1500 के स्थान पर 1410 रुपये ही चुकाए गए हैं, 90 रुपये प्राप्तीय भुगतान खाता ये बता रहा है कि 90 रुपये विज्ञापन पर कम चुकाए गए हैं, अभी भी देने बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग 90 रुपये आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट जो हम दिखाएंगे वो कितने रुपए दिखाएंगे, 90 रुपये आपके दिखाए। इसी तरह हम और तुलना करेंगे रेंट, आप देखिए रेंट जो दे रखा है 6000 के स्थान पर आयव्यय खाता 6000 रुपये रेंट बता रहा है, लेकिन प्राप्तीय भुगतान खाते में रेंट का बताया कि केवल 5200 रुपये ही चुकाए गए हैं, 6000 के स्थान पर 5200 रुपये ही चुकाए गए, और रिसीटेड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से हमको पता लग रहा है कि 800 रुपये किराया कम चुकाया है और चुकाने बाकी हैं,
आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी साइड में हम आउटस्टैंडिंग बैंक आउटस्टैंडिंग रेंट 800 रुपए। तो 6000 की जगह किराया कितना चुकाया गया? 5200 रुपए किराया चुकाया गया। 800 रुपए किराए का कम भुगतान किया गया है, बकाया है, और बकाया कोई खर्चा बकाया से चुकाना बाकी है और बकाया पर बैलेंस शीट के कौन सी साइड में बच्चों? लायबिलिटी साइड में 800 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से दिखाई गए। अब आप देखिए, हम और तुलना करेंगे। आप देखिए, सैलरी 12000 रुपए दे रखी है, आय व्यय खाते में जो सैलरी दे रखी है वो कितनी दी हुई है? 12000 सैलरी जो दे रखी है जबकि प्राप्य भुगतान खाते में यही सैलरी आपकी 13000 रुपए दिखाई दी है। वेतन 12000 रुपए का भुगतान होना चाहिए था, लेकिन प्राप्य भुगतान खाता हमको ये बता रहा है कि हमने वेतन के ऊपर 13000 रुपए खर्च किए हैं, 1000 रुपए ज्यादा चुकाए गए हैं। 12000 के स्थान पर वेतन के 13000 रुपए चुकाए गए हैं, 1000 रुपए वेतन अधिक चुकाया गया है। और जब 1000 रुपए वेतन अधिक चुकाया गया है, आगे ये 1000 रुपए वेतन अब चुकाने की आवश्यकता हमको नहीं है। तब तक ये जो रुपए हैं 1000 रुपए संपत्ति के रूप में अग्रिम चुकाए गए खर्च के रूप में माने जाएंगे। तो प्रीपेड सैलरी 1000 प्रीपेड सैलरी 1000। आगे देखिए, सैलरी एक्सपेंसेस आय व्यय खाते में भी 1100 रुपए दे रखे हैं और प्राप्य भुगतान खाते में भी 1100 रुपए आपके दिए हुए हैं। आय व्यय खाता बता रहा है कि हमने विभिन्न खर्चों पर 1100 रुपए खर्च किए हैं और प्राप्य भुगतान खाते से भी हमको पता लगा है कि वास्तव में 1100 रुपए का ही भुगतान किया है। विभिन्न खर्चे न कम छुपाए गए न ज्यादा छुपाए गए, इसलिए कोई भी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार हम यही कह रहे हैं, अगर रिसीव पेमेंट में कम खर्चे छुपाए गए हैं तो वो बकाया माने जाते हैं, तो उसको आउटस्टैंडिंग के नाम से दिखाते हैं। अगर अधिक खर्चे छुपा दिए गए तो वो अग्रिम माने जाएंगे, तो प्रीपेड सैलरीज के नाम से दिखाए गए। आगे आप देखिए, ये चीजें आपको देखनी थी। अब हम कुछ चीजें और ले रहे हैं। अब विनियोग, आप देखिए विनियोग जो थे वर्ष के प्रारंभ में विनियोग थे वो 40000 रुपए के विनियोग थे और वर्ष के दौरान कोई विनियोग ना हमने खरीदे हैं ना बेचे हैं। विनियोग वर्ष के प्रारंभ में भी 40000 थे और वर्ष के अंत में भी विनियोग 40000 के हैं। इन्वेस्टमेंट वर्ष के प्रारंभ में विनियोग 40000 था और वर्ष के अंत में भी विनियोग कितने रुपए के थे? 40000 रुपए के थे, कोई चेंज नहीं हुए। आगे देखिए, आप देखिए फर्नीचर 10000 रुपए का फर्नीचर था और 10000 रुपए का जो फर्नीचर था, आप देखिए वर्ष के दौरान हमने 6700 रुपए का फर्नीचर और खरीदा है, 6700 रुपए का फर्नीचर और खरीदा है। तो टोटल जो फर्नीचर है
फर्नीचर 10,000, एड फर्नीचर 5,000, छह हजार सात सौ का फर्नीचर हमने और खरीदा है, कुल मिलाकर के 16,700 रुपए का फर्नीचर हो गया। आगे देखिए, बुक्स के संबंध में हम जो बात कर रहे थे कि 5,000 रुपए की बुक्स थी और 5,000 रुपए की जो बुक्स थी बातचीत प्रारंभ में थी, रेफरेंस बुक्स 5,000, ना कोई कमी हुई है ना बुक्स में वृद्धि हुई है। संपत्ति साइड में 5,000 रुपए की बुक्स हम दिखलाएंगे। आगे देखिए, एक चीज और देखिए आपने कि जो ट्यूशन फीस है 2017-18 की, 17-18 हमारा अग्रिम वर्ष है, अगला वर्ष 2017-18 की इनकम 2016-17 में ही हो गई। इसका तात्पर्य वो आय हमको अग्रिम प्राप्त हो गई है, और अग्रिम प्राप्त हो गई इसका तात्पर्य हमारे ऊपर अगले साल के लिए इसका दायित्व है। लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे तो आप देखिए, एक एक तो आपके ट्यूशन फीस के आपके 1,000 रुपए लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे हम। ट्यूशन फीस रिसीव्ड इन एडवांस, ट्यूशन फीस जो मिली है हमको वो अग्रिम प्राप्त हुई है, और वो कितने रुपए प्राप्त हुई है बच्चों? 1,000 रुपए आपके अग्रिम प्राप्त हुए क्या? इसी तरह आप देखिए, 2017-18 के लिए मेंबरशिप फीस 3,900 रुपए, ये भी अग्रिम प्राप्त हुए क्या? मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इन एडवांस 3,900 रुपये, ये भी लायबिलिटी साइड में आपके दिखाई देंगे। इसके अलावा अब आप देखिए, आपको ये पता है कि पूंजी कोष हमने क्या किया, वर्ष के प्रारंभ की हमने बैलेंस शीट बनाई थी, और वर्ष के प्रारंभ की जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें पूंजी कोष क्या किया था, कैपिटल फंड क्या किया था। तो कैपिटल फंड63,500 पूंजी कोष, और इस पूंजी कोष 63,500 रुपए में आय व्यय खाते से जो ज्ञात सरप्लस या जो डेफिसिट होगा, आप देख रहे हैं सरप्लस निकला था 4,000 रुपए का, तो ये सरप्लस 4,000 रुपए का जो है वो जोड़ा जाए। वर्ष के प्रारंभ की ये पूंजी है, इसमें एड सरप्लस चार, तिरसठ हजार 500 रुपए के पूंजी कोष में 4,000 रुपए बचत के जोड़े जाएंगे, तो 67,500 रुपए। एक चीज और, एंट्रेंस फीस जो अग्रिम प्राप्त हुई थी
आगे के एंट्रेंस फीस जो है 4,200 रुपये एंट्रेंस फीस है, और उस 4,200 रुपये की एंट्रेंस फीस को इसमें हम जोड़ेंगे तो एट एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस तो 67,500 में 4,200 जोड़ने के बाद 71,700 रुपये भार आपके पूंजी कोष ज्ञात होगा, उसको हम देखते हैं। ये चीज आपके दिखाई जाएगी, हम टोटल करेंगे जब बैलेंस शीट का 50, 90, 140, 8 से 940, 1840 और 725। कहता हो 73,376 और 177,540 रुपये। इसी तरह असेट्स का टोटल किया जाएगा, ₹740,840 और ₹715,000 पास एक 6, 16, 22, 40, 62, 63, 64 और 73। तो वर्ष के अंत की जो बैलेंस शीट आपकी बनेगी दोनों तरफ का जो टोटल है 77,540 रुपए। बच्चों कुछ चीजें हम रिपीट करेंगे, जैसे प्रिंटिंग के 50 रुपए लाइटिंग में क्यों लिखे, अब देखिए आय व्यय खाते में प्रिंटिंग पर 800 रुपये ही दिखाए गए, लेकिन आप देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है कि प्रिंटिंग पर 800 के स्थान पर 750 रुपये ही खर्च किए गए, 50 रुपये कम चुकाए गए, 50 रुपये कम चुकाए गए, इसका तात्पर्य 50 रुपये देने बाकी हैं लाइटिंग। ऐसे याद में देखा था विज्ञापन पर ₹1,500 के स्थान पर ₹1,410 ही विज्ञापन आपके छुपाया गया है, एडवर्टाइजमेंट जो है ₹1,500 के स्थान पर ₹1,410 ही चुकाए गए, इसका तात्पर्य ₹90 विज्ञापन पर कम भुगतान किया गया है और भुगतान करना बाकी है। आय व्यय खाते की आपको ध्यान देना है तुलना कैसे करनी है, क्वेश्चन में पहले आय व्यय खाता आपको देखना है और उसकी तुलना हमको प्राप्ति भुगतान खाते से करनी है। अगर कोई खर्चा आय व्यय खाते की तुलना में प्राप्ति भुगतान खाते में कम भुगतान किया गया है तो हम ये मानेंगे वो खर्चा बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, और प्राप्ति भुगतान खाते में वो खर्चा ज्यादा चुकाया गया है ये माना जाएगा वो खर्चा अग्रिम चुकाया गया है, प्रीपेड के नाम से हम दिखाएंगे। 6,000 की जगह 5,200 रुपये ही किराया चुकाया गया, इसका तात्पर्य 800 रुपये किराए के अभी भी देने बाकी है, इसलिए लाइटिंग में है। ये तीनों खर्चे आप देखिए आय व्यय खाते की तुलना में प्राप्ति भुगतान खाते में कम चुकाए गए थे और कम चुकाए थे इसलिए हम इसको दायित्व में दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए वेतन के संबंध में कि प्रीपेड सैलरी हमने असेट्स में क्यों दिखाया,
आय व्यय खाता बता रहा है कि 12,000 रुपए वेतन दे रखा है आय व्यय खाता, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता आपको ये बता रहा है कि 12,000 के स्थान पर वेतन 13,000 रुपए 1,000 रुपए ज्यादा छुपाए गए, अग्रिम छुपाए गए, प्रीपेड सैलरी। ये तुलना हुई हमारी खर्चों की। इसी तरह हमने तुलना की इनकम, आय व्यय खाते में दी गई इनकम की तुलना प्राप्ति भुगतान खाते में आपके जो इनकम प्राप्त हुई है, रिसीव हुई है, उससे हमने तुलना की। अब देखिए आय व्यय खाते में आप देखिए इंटरेस्ट जो है 1600 रुपए के स्थान पर इंटरेस्ट आपके चालू वर्ष में 1500 रुपए ही ब्याज के प्राप्त हुए हैं। 1600 रुपए के स्थान पर ब्याज 1500 रुपए ही प्राप्त हुआ है। प्राप्ति भुगतान खाता आपको ये बता रहा है कि ब्याज की केवल 1500 रुपए मिले, मिलने चाहिए 1600, मिले कितने 1500, 100 रुपए कम प्राप्त हुए, अर्थात ब्याज के 100 रुपए और प्राप्त होने बाकी हैं। इस प्रकार का ब्याज जो हमने कमा लिया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है, हमको प्राप्त होना है, इसलिए 100 रुपए आपके इसमें दिखाए। आप देखिए इसी तरह आपके ट्यूशन फीस आय व्यय खाते में 11,000 रुपए दी हुई है। 11,000 के स्थान पर आपके प्राप्य भुगतान खाता आपको ये बता रहा है कि ट्यूशन फीस के 10,000 रुपए प्राप्त हुए, 1,000 रुपए ट्यूशन फीस के कम प्राप्त हुए हैं, उपार्जित हैं, प्राप्त होने हैं, संपत्ति साइड में आएंगे, असेट्स में। इसी तरह विनियोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, वर्ष के प्रारंभ में भी ये विनियोग थे क्योंकि रिसीट पेमेंट में कहीं पर भी ये नहीं है कि विनियोग हमने वर्ष के दौरान कोई विनियोग और खरीदे हैं या बेचे हैं। फर्नीचर 10,000 का था, 6,700 का फर्नीचर हमने वर्ष के दौरान और खरीदा है, 16,700 रुपए का फर्नीचर हो गया। कोई डेप्रिसिएशन इस पर नहीं है, अगर डेप्रिसिएशन होता साल के अंत में तो हम इसमें से डेप्रिसिएशन घटाते। बुक्स 5,000 की थी, कोई चेंज नहीं। आप देखिए ये ट्यूशन फीस और मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इन एडवांस क्यों लिए हमने लाइब्रेरी साइड में। हमारा वर्ष है 2017-18 है वो हमारे लिए अगला वर्ष है, नेक्स्ट ईयर 17-18 अगले साल की इनकम हमको चालू वर्ष में मिल गई। ट्यूशन फीस जो है 1,000 रुपए या मेंबरशिप फीस 3,900 रुपए, लाइब्रेरी साइड में दिखाएंगे। ऐसी आय जो हमने कमा ली, कमाई नहीं, और हमको अग्रिम प्राप्त हो गई, तो ऐसी स्थिति में तो ये जो प्राप्त हुई है 3,900 रुपए वो आपके दिखाया है। पूंजी कोष 63,500 में 4,000 सरप्लस जोड़ दिया। आप देखें इसमें प्रवेश शुल्क 4,200 रुपए आपके प्लस करेंगे तो कुल मिलाकर के 71,700 रुपए आपके कैपिटल फंड के नाम से आपके दिखाए।
टोटल रहेंगे बैलेंस शीट का 77,540 और इधर का भी टोटल आपके 77,540 आपके टोटल हो रहा है। ये बैलेंस शीट आपके अंत की बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट होगी बच्चों। इसमें अगर नहीं आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ में आती हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो 10वां क्वेश्चन था कंप्लीट होता है। अगले व्याख्यान में अपन एक क्वेश्चन और लेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये व्याख्यान अभी अपना यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।